Hello dear students, today we will learn Dirghayi के जो शब्द थे उसको हम आज रीड करेंगे और लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वाचो अने लखो, मीन्स रीड एंड राइट. तो पहले हम रीड करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस सिंबल को दीर्घ ई, मतलब बड़ी ई. तो उच्चारण क्या होगा, की, सेम ड है तो हम उच्चारण क्या करेंगे, डी, की डी, सी डी, खीली, वीणी, साड़ी, रीत, मामी, मासी, पाटली, ईडली, माटली, आदणी, नी, ये क्या है, हस्वई, हस्वई आगे जो ऐसी निशानी होती है उसको क्या बोलते हैं, हस्वई मतलब छोटी ई. तो छोटी जब होता है तो भी हम उच्चारण क्या बोलेंगे, नी. सो नी सरणी, सेम यहाँ पे हस्वई दी है और ये है, ये हमें दिया है दीर्घई, वैसे ही यहाँ पे भी है हस्वई और यहाँ पे लिखा है दीर्घई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई. बट उच्चारण तो हम क्या बोलेंगे, पी च कारी, मीन्स इसको पी बोलेंगे और इसको री बोलेंगे, बराबर. तो पी च कारी, हरियाड़ी, नवनीत, नवनीत. सो डियर स्टूडेंट्स, देखो ऐसे ही यहाँ पे दिया है तो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक थ्री टाइम दिस वर्ड्स, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक थ्री टाइम. ओके, ये आप तीन बार अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, देखो ऐसे ही सेम यहाँ पे दिया है, जैसे लाइंस दी है ऊपर लिखा है वैसे, वन रोटेशन वाइज, वन टू ऐसे ही, वन टू थ्री ऐसे रोटेशन करके आपको लिखना है. ओके,